हेलो दोस्तों, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर बना रहा हूँ। इसमें आपको एक नई शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा जो कि टेबल शॉर्टकट की है। तो ये कैसे यूज होगा, इसका क्या फायदा है, आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया है और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे जानबूझ के रैंडम वेरिएबल फॉर्मूला मैंने लगाया है और इसे मतलब वैल्यू भी नहीं बनाया, मतलब फिक्स नहीं किया है। अब ये नंबर चेंज होते रहेंगे लेकिन ये जानबूझ के किया मैंने। फिर यहाँ टोटल कैलकुलेट किया, फिर एवरेज कैलकुलेट कि आपको कहीं भी यहाँ पर क्लिक करने पे फॉर्मूला नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो जहां पर भी फॉर्मूला होगा ये शॉर्टकट की आपको पूरा फॉर्मूला एक बार में डिस्प्ले कर देगी। कैसे होगा ये आइए समझते हैं। कि आप यहाँ पर क्लिक करिए, ऊपर आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, F2 प्रेस कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, लेकिन ये एक ही दिखाई देगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और कौन सा बटन प्रेस करें, कंट्रोल के साथ टेबल बटन। तो कंट्रोल और टेबल बटन प्रेस करते हैं, ये आपके सामने फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। जो भी फॉर्मूला जैसे भी लगा हुआ है ये पूरा का पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, अब आपको और भी अच्छे से दिखाई देगा। देखिए एवरेज रैंक बिटवीन सारा फॉर्मूला एक साथ दिखाई पड़ रहा है। तो कंट्रोल और टेबल बटन प्रेस कर लेते हैं, इसी बार में आप पूरे फॉर्मूले की स्थिति जान पाएंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपकी बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।